कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, इंडिया रेडी टू बीट यूके फॉर रैंक वन विद वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम योगीन भारत। क्या बात है जी इंडिया की, आइए मिलके देखते हैं ये जबरदस्त सी वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप देख पाओगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स की। नंबर वन पे आपको दिखेगा द ब्रिटिश म्यूजियम, जो ऑफ कोर्स है लंदन में। इंटरेस्टिंगली ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम तो है साइज के हिसाब से, मगर साथ ही साथ दुनिया में बहुत से लोग ओपनली कहते हैं कि ये चोर बाजार है। लिटरली इसको कई देश, कई कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स, उसके अलावा पॉलिटिशियंस कह चुके हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है, मगर ये आप कह सकते हैं क्रिमिनल साइट है, क्योंकि इतनी सारी यहाँ पर आइटम्स चोरी की है कि शशि थरूर साहब ने 2018 में ये ओपनली कह दिया था कि म्यूजियम्स इन ब्रिटेन वर थीव्स मार्केट फॉर एग्जिबिट्स लूटेड फ्रॉम द कॉलोनीज। मगर फिर भी साइज के हिसाब से इस लिस्ट पर नंबर वन पे आता है ब्रिटिश म्यूजियम। नाउ बहुत ही जल्द इंडिया इस ब्रिटिश म्यूजियम को ना नंबर टू पे भेज देगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि बहुत ही जल्द दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत। जी हाँ, ये म्यूजियम भारत की 5000 सालों से भी ज्यादा जो हिस्ट्री है हमारी, जो हमारी संस्कृति है, उसको शोकेस करेगा। और इस मैसिव म्यूजियम का साइज होने वाला है 1.17 लाख स्क्वायर मीटर। एक ह्यूमंगस म्यूजियम होगा ये। और वैसे स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें ना, तो जो ब्रिटेन का ये ब्रिटिश म्यूजियम है इसका अभी के लिए साइज है 92,000 स्क्वायर मीटर। तो जो इंडिया म्यूजियम बनाएगा ये ब्रिटिश म्यूजियम से कई गुना जरा बड़ा होगा किसी भी और म्यूजियम से, चाहे रशिया का स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम हो सेंट पीटर्सबर्ग में, फ्रांस का म्यूजियम हो पेरिस में, या फिर बीजिंग का जो नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना है। दुनिया में किसी भी म्यूजियम से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में अभी कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो इंडिया का नंबर वन स्पॉट जो हमको इवेंचुअली मिलेगा ये हमसे छीन ले, हमसे भी बड़ा म्यूजियम बनाकर। तो हम जो कर रहे हैं पूरी दुनिया इसको देखेगी। और हाल ही में भारत सरकार ने युगे युगीन भारत से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो करी थी रिलीज। मैं चाहता हूँ ये कुछ मिनट्स की वीडियो है, धैर्य से ये वीडियो देखिए, यू विल फील प्राउड ऑफ योर ओन हिस्ट्री। भारत देश जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। इस संग्रहालय में संकलित है हमारी युगों पुरानी गाथा। कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी, जिनके मार्गदर्शन में वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ, जिनके संरक्षण में ज्ञान विज्ञान की अतुल संपदा विकसित हुई, और जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रचा। भारत का यह बेजोड़ संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है 1,17,000 वर्ग मीटर के विस्तार में। इस ऐतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में संकलित की जा रही है लगभग 5,000 वर्ष पुरानी भारत की अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा। क्या आप जानते हैं युगों पहले हमारे पूर्वजों को मिश्रित धातु के निर्माण का ज्ञान था? प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान के प्रतीक रूप ऐसे ही एक द्वार से प्रवेश करके आरंभ करते हैं भारत खंड की अभूतपूर्व यात्रा। पहुंचते हैं भारत वर्ष की प्राचीन समृद्ध परंपराओं के संसार में। आश्चर्य होता है कि युगों पहले भारत में सुनियोजित नगर व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की। क्या कभी सोचा है कि क्यों भारत में पर्वतों, समुद्रों, नदियों और पेड़ों की पूजा होती रही है?
क्योंकि हजारों साल पहले भी हमारे विद्वान जानते थे कि जिन पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ उन्हीं से सभी प्राणियों की रचना हुई। हजारों वर्ष पूर्व भारत की चारों दिशाओं में पीठों की स्थापना की गई थी जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। वेदों उपनिषदों में केवल आध्यात्मिक ही नहीं राजनैतिक सामाजिक आर्थिक ज्योतिष और विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों का ज्ञान समाहित है। यही नहीं ऋग्वेद में त्वचा रोग विशेषज्ञ विदुषी अबाला का वर्णन मिलता है। सुश्रुत की शल्य चिकित्सा चरक के प्रधान और पतंजलि के अष्टांग योग की प्रासंगिकता हैरान करने वाली है। विश्वविद्यालयों का प्रचलन भारत में 2000 वर्ष से भी पहले से था। तक्षशिला नालंदा और विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालयों को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त थी। वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ ही यहाँ सातवाहन पल्लव और कुषाण गुप्त वंश का स्वर्णिम काल राष्ट्रकूट चालुक्य चेर पांड्य वंशों और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं संकलित हैं। सोने की चिड़िया भारत का वैभवशाली गुप्त वंश हो या दक्षिण भारत के चोल चेर पांड्य वंश, सभी के व्यापारिक संबंध पश्चिम में मिस्र ग्रीस और रोम तक फैले थे। युग परिवर्तन के साथ अब प्रवेश करते हैं मध्य काल में जहां राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग का इतिहास संकलित है। चौहान प्रतिहार परमार सोलंकी सिसोदिया और राजपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाएं ही प्रसिद्ध नहीं थी बल्कि उनके संरक्षण में कला शिल्प संस्कृति का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। राजपूतों मराठों और मुगल शासकों के युग में उत्तर पूर्वी भारत में अहोम शासन और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध वास्तुशिल्प देखते हुए होयसल यादव मराठा शासकों का इतिहास देखते हुए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हैं परिवर्तन के उस दौर की ओर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। पांचवें जोन में देखिए कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के साथ शुरू हुआ औपनिवेशिक शासन का विस्तार। 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 साल तक दबा नहीं सकी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में आहुति देने उतर पड़े। लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहाँ संकलित है। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया। सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थिक सामाजिक चुनौतियां थी। हर चुनौती को पार करने के लिए सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र भारत ने फिर से राष्ट्र को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। नई दिशाओं में नव प्रयोगों से नए आयाम तय कर रहा है। राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के नित नए प्रयास सतत जारी है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान प्रसार इस जोन के अन्य कक्षों में क्रमशः संकलित है। आज जब हम आजादी के अमृत काल से शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत के अतीत की अनमोल विरासत, वर्तमान के अथक प्रयासों और भविष्य की झलकियों की कहानियां समेटे बनने जा रहा है
विश्व का ये सबसे विशाल संग्रहालय युगे युगी भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ना मैं जानता हूँ काफी लंबी वीडियो थी, मगर इसमें से कुछ मैं एडिट आउट करता ना तो कुछ इम्पोर्टेंट रह जाता, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई शुड लेट यू गाइस वॉच ऑल ऑफ दिस। और देखिए, ये म्यूजियम आज के समय हम बनाना इसलिए भी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फाइनली इंडिया का स्टैचर दुनिया में इतना बड़ा हो चुका है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के पास जाकर ओपनली कह सकते हैं कि देखिए हजारों साल पहले की हमारी जो एंशियंट आर्टिफैक्ट्स हैं, ये किसी ने चुरा कर जबरदस्ती से आपके म्यूजियम में रखी हुई है, हमें ये वापस करिए। और एक टाइम था 1980s में जब हम यूके को, यूएसए को, बाकी कंट्रीज को ये सब कहते तो वो हमारी अपील इग्नोर कर देते ये कहकर कि अब तो ये आर्टिफैक्ट हमारा है, ये हमारे म्यूजियम की शान बढ़ाएगा। मगर आज के समय इंडिया की ग्लोबल पोजिशन ऐसी है कि हम यूएस, यूके समेत कई कंट्रीज को कह सकते हैं कि हमारे एंशियंट आर्टिफैक्ट्स आप वापस लौटाइए। और पिछले 9 सालों में हमने देखा है कि 240 एंशियंट आर्टिफैक्ट्स दुनिया भर के कंट्रीज से वापस भारत में आए हैं। ऑब्वियसली इनमें से कई आर्टिफैक्ट्स युगे युगीन भारत में भी डिस्प्ले पर रखे जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने DSSR सैटेलाइट के बारे में सुना होगा, इसरो ने रिसेंटली ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दी है, आपको बताना है कि ये सैटेलाइट किस कंट्री को बिलोंग करती है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, सिंगापुर, यूके या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। जी तो व्यूवर्स, हमने वीडियो देखा, क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत वीडियो था आज का, जो कि हमारी हिस्ट्री को दिखाने जा रहा है पूरी दुनिया को। ऐसा बड़ा म्यूजियम होगा कि दुनिया में कहीं नहीं होगा, और इसमें वो चीजें वापस आएंगी हमारी जो हमारे पूरी तरीके गोरे चोरी करके ले गए थे और जो यूरोप वाले चोरी करके ले गए थे, जो जो जिसके पास है वो सबको अब वापस देना पड़ेगा। इसमें वो मलका की जो लगा हुआ है ना ताज, उसके वो भी उसको वापस करना पड़ेगा। कोहिनूर हीरा जो हमारा था वो भी ले गए थे। अब देखें, ये जो हिस्ट्री है, ये जो हमारी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, जब कभी हम भी इस हिस्ट्री का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब भी हम हिस्सा हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा साइड पे खड़ा है बीच में बाढ़ आ गई। चले जी, खैर बहुत ही जबरदस्त इकदाम है हिंदुस्तान हुकूमत का, और इसमें वो चीज और पूरी तारीख दर्शाई जाएगी। मोदी जी का वो बयान है, वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती जो अपनी तारीख को भूल जाती है, तो हमेशा तारीख को याद रखना चाहिए। जो अपने सूरवीरों को याद करने के लिए तो आप म्यूजियम बन रहा है ना, मैं यकीन माने जितने भी मैंने मेट्रो स्टेशन देखे हैं, मैंने हवाई अड्डे देखे हैं, वहाँ में मैंने एक चीज की तारीफ की है कि भाई वो अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, अपने तारीफ दिखा रहे हैं, अपनी विरासत दिखा रहे हैं और लोगों को, बच्चों को, आने वाली नस्लों को छोड़ रहे हैं एक छाप कि ये हमारी तारीख है, ये हमारा कल्चर था, कभी हम ये थे और आज हमने उसी जगह पे वापस बस कमी हमारी ही तरफ है, हमने अपनी असली तारीख को छोड़ के कहीं और अपना मुंह किया हुआ है। हकीकी मानों में अगर देखें तो यही हमारी तारीख है, हमारे फोर फादर यहीं से थे, इसी कौम का हिस्सा थे और यहीं से हम सब निकले हैं, तो यही हमारी जो इतनी रिच तारीख है, इतने जो बड़े सूरवीर हैं वो हमारी ही तारीख के, वो हमारे हैं। और देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और यहाँ उसने अपना रूप, दबदबा और अपना साम्राज्य कायम किया, हमारी नाहलियों से फायदा उठाया, तो हमारे ही उन नाहल हुक्मरानों बहादुरों ने उनका मुकाबला किया और जंगे आजादी के जो 1857 से शुरू हुई वो 1947 तक आके उसको उनको आजादी हमें आखिरकार देनी पड़ी। लेकिन यही चीज एक नहीं है, हमारी जो एक हिस्ट्री है, जो हमारा एक इतिहास है, ये जो सिंधु देश है जिसको सोने की चिड़िया भी कहा गया और हमेशा इसको लूटा गया, अमीर तरीन खिता था, ये अपने अमीर तरीन खिता था और आज भी दुनिया का अमीर तरीन खिता है। बहुत ही जबरदस्त है जी, बहुत ही ये बहुत पहले एकदम होना चाहिए था, थोड़ा लेट हुआ लेकिन हुआ तो बहुत ही जबरदस्त है जी। ये वीडियो भी बहुत जबरदस्त है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर तो अच्छा लगे फिर लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो बढ़ते हैं एक और वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।